कुंभ में अनोखे साधु। सांसारिक सुख दुख लाभ हानि मोह माया से विरत होकर परलोक पहुंचने के लिए लाखों साधु संत संगम तट पर पहुंचे हैं। लाखों साधु संत और श्रद्धालु संगम तट पर पहुंचकर आस्था के महापर्व का हिस्सा बनते हैं। इस महाकुंभ में अलग अलग तरह के साधु संन्यासी आते हैं। उन्हीं साधु संतों में एक वर्ग होता है भिक्षु साधुओं का, जिन पर जिम्मेदारी होती है अपने साधु संप्रदाय को भोजन करवाने की। इस परंपरा को अलग साधु और जंगम योगी की संज्ञा दी गई है। अलग साधु जिनका काम अखाड़ों में घूम घूम कर भिक्षा लेना होता है। इस परंपरा को अलग जगाने की परंपरा की संज्ञा दी गई है। ये क्या परंपरा है आपकी, ये कैसे किस तरीके से करते हैं महाराज जी, किस तरीके से करते हैं कुछ बताएंगे? गुरु भैरवनाथ का ये चढ़ाया हुआ बतंगा, हम इसका दादा में रहते हुए हम इसका रंगन ना करते हुए सब अलग जगाते हैं, सब लोग मिलके अलग जगह। भिक्षा, भिक्षा के पीछे क्या इतिहास, कैसे अखाड़ों से लेते हैं आप? ये अपने साधुओं में जाते हैं, किसी से नहीं कुछ कहते ना बोलते हैं, बस ये अलग जगाते अलग 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 बोलते चलते हैं। ये गुरु भैरवनाथ का बड़ा नफाना है जिसकी आज हम लोग मराठा में रहते हुए इसको निभा रहे हैं। हमारा लोग बोलते हैं शिव जंगम जी, अखाड़ा संतु साधु अखाड़ों के हम पंडित होते हैं, सबके पास जाते हैं, साधु साधुओं के पास जाते हैं जी जी। हमारे को जंगम बाबा बोलते हैं। कुंभ करीले कुंभ भरीले धन धन हो जाए परम ज्ञानी परम ज्ञानी। महाराज जंगम साधु ही कहा जाता है क्यों, आप लोग क्यों कहा जाता है, क्या है कहा अपनी जांग से? हमारे जंगम भगवान शिव की जांग से उत्पत्ति हुई है आपने, तो पूरे मेले में आप लोग ऐसे ही अखाड़ों में करते हैं क्या? ये गाथा क्या कहते हैं आप लोग? भगवान शिव का विवाह सुनाते हैं, हिंदू बारा सुनाते हैं, बाबे की गुरु माला सुनाते हैं। कंकर पाथर जीव जनावर नदी झाड़ सब एक है। वैसे तो इस दिव्य कुंभ में आपको भारतीय संस्कृति के अलग अलग रंग दिखाई देंगे, तो वहीं दूसरी तरफ इस दिव्य कुंभ में आपको कुछ अनोखे साधु के भी दर्शन होंगे, और वो साधु है एक जंगम साधु और दूसरे हैं अलग साधु। जंगम साधु के बारे में कहा जाता है कि इनकी उत्पत्ति भगवान शंकर के जांग से हुई है, और इनका काम है कि मेले में घूम कर ये भगवान शंकर की गाथा सुनाते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ अलग साधु बिना रुके पूरे अखाड़ों में घूम घूम कर अलग जगाने का काम कर रहे हैं और अखाड़ों से भिक्षा ले रहे हैं। द इंडियन ओपिनियन के लिए प्रयागराज दिव्य कुंभ से मनीष वर्मा की।